Assalamualaikum dear students, आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट फोर पढ़ेंगे जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, फिर उसको रिलेट किया था हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़े थे वो फैक्टर्स जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, और थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था कि स्केल्स जिनसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट में एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, चाहे इनऑर्गेनिक के होंगे या ऑर्गेनिक के होंगे, वो आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैंने आपको क्या बताया था कि मानो हमारे पास एक एटम है और एक और एटम है बी, एक एटम ए है, मानो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मानो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम है, जितने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उतना ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, मतलब ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस वाले बॉन्ड को मैंने आपको बताया था दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें दोनों एटम्स इक्वल कंट्रीब्यूशन करे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, और ये जो होता है, ये जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, मैंने आपको बताया था इस वाले को हम बताते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? बॉन्ड पेयर, और इसको हम लिखते हैं शेयर्ड पेयर, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास मानो ए और बी, इनके बीच में जो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, आप मानो कि ए और बी की टेंडेंसी है कि ए बी उतना उतनी ही टेंडेंसी ए की भी है जितनी टेंडेंसी बी की, तो होगा क्या, ये जो बीच में बॉन्ड पेयर है ये ना तो ए की ओर मुड़ेगा ना तो बी की ओर मुड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड से ए और बी की टेंडेंसी सेम है। तो मैंने क्या बताया कि उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन ये है बॉन्ड पेयर है, इसको आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हो, वो बिटवीन ए एंड बी लाई करेगा, मतलब मॉलिक्यूल के सेंटर में वो लाई करेगा। और उसके बाद आपको क्या बताया मैंने कि मानो दूसरे में क्या होता है कि ए की टेंडेंसी ज्यादा है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की, तो ये ए की ओर मुड़ेगा, मतलब बी के पास अब ज्यादा, बी अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू ए, मतलब ए इन बॉन्ड पेयर पे अपना ज्यादा हक जमाता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू बी। फिर मैंने आपको क्या बताया, मानो ए में ये टेंडेंसी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे एज कंपेयर टू बी, बी में टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। मतलब क्या, इसका मतलब बी में टेंडेंसी ज्यादा है कि ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब बी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ए। मगर ये वाली कंडीशन तब वैलिड है जब ए और बी आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या, मतलब ये कंडीशन तब वैलिड है जब वो किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो सबके सब मॉलिक्यूलर फॉर्म के रिलेटेड होंगे। तो इंशाल्लाह रहमान अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस में आप देखोगे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, बहुत ही बेहतरीन जो एप्लीकेशन इसकी है, दैट इज इसको बोलते हैं हम नेचर एप्लीकेशन फर्स्ट, दैट इज नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड सबसे बेहतरीन पॉइंट, इसको आप बता लिखते हैं किसमें, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। एक इसका फर्स्ट एप्लीकेशन ये है, इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको पता चलेगा कि बॉन्ड का नेचर क्या है। और नेचर का मतलब ये कि बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है या बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड है। अब आप देखिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और हम क्या करते हैं, आपको पता है कि सोडियम में एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है ना। और आपको पता है कि पहले शेल में दो जाते हैं, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में 1 जाएगा। इस क्लोरीन में अगर आप देखोगे, पहले में दो,
दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इस सोडियम को भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है मतलब 7 पेंडिंग है, और इसके लास्ट शेल में 7 है मतलब एक पेंडिंग है। अब क्या करेगा, अब सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन लूज होके जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये दे रहा है किसको, क्लोरीन को। मतलब क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो हम 7 डॉट डालेंगे, और सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था मतलब एक डॉट डालेंगे। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करेगा किसकी ओर, क्लोरीन की ओर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इस पे चार्ज चढ़ेगा क्या, पॉजिटिव, और क्लोराइड यानी इस पे चार्ज चढ़ेगा नेगेटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां पे Na पॉजिटिव है मतलब कैटाइन, और यहां पे NaCl नेगेटिव है मतलब एनाइन, ठीक है ना। जब देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक कैटाइन से लेकर एनाइन तक, ठीक है, उस टाइम जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड को हम आगे जाके फिर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां पे याद रखिए आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंशाल्लाह रहमान आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। बट यहां पे आप इतना याद रखिए कि व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom and the bond formed between these two atoms is called ionic bond, ठीक है ना। ये condition है कौन सी bond, ionic bond की। अब आप example एक और लीजिए, मानो आपके पास एक molecule है, ठीक है ना, और मॉलिक्यूल मानो आप एग्जांपल ले रहे हो हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl की। हाइड्रोजन में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और क्लोरीन में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हाइड्रोजन को अपना आप देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है ना। तो पहले में कितने जाएंगे, इस हाइड्रोजन में 2, पर इसके पास एक ही है। अब इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो इसका डुप्लेट तब कंप्लीट होगा, अब ये लॉस नहीं करेगा। अब इसका डुप्लेट कंप्लीट करने का तरीका क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और जो बॉन्ड बनेगा वहां पे वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, कोवेलेंट का बॉन्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आयोनिक बॉन्ड का मतलब है कि एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस होता है। व्हेन देयर इज कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। व्हेन देयर इज इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, देन द बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड और म्यूचुअल बॉन्ड। अब हम बात करें नेचर ऑफ बॉन्ड की, नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्या ये आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि मानो हमारे पास एक एटम है ए और एक एटम है बी, अब इनके बीच में या तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आयोनिक बॉन्ड है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना, इसमें आपको पता इसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम रिप्रेजेंट करते हैं काई ए से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम रिप्रेजेंट करेंगे काई बी से, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में मैंने आपको कल भी बताया, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है, ठीक है ना, मैं उसको हम लिखते हैं डेल्टा, ठीक है ना, ई एन, मतलब चेंज इन यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब आप याद रखिए, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के बीच में 1.9 से ज्यादा है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम ए एंड एटम बी इन अ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 1.9, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 1.9, तो उस टाइम जो बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, देन वो बॉन्ड जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड, याद रखिए, इसको मैं पढ़ाऊंगा आगे भी, बट यहां पे आप याद रखिए, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम ए एंड एटम बी इज ग्रेटर देन 1.9, देन द बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज लेस देन 1.9 देन द बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, देन द बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में 1.9 से कम है तो मां समझ लेना ये बॉन्ड जो है ये कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनेगा फिर कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों एटम्स के बीच में इक्वल टू 1.9 होगा, ठीक है ना, तब आप मान लीजिए कि जो बॉन्ड बनेगा ना उसमें कैरेक्टर होगा 50% आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर होगा वो कौन सा होगा, 50% आयोनिक कैरेक्टर, और 50% उसमें कौन सा कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब उस मॉलिक्यूल में दोनों कैरेक्टर मौजूद होंगे, कौन सा, आयोनिक कैरेक्टर 50% और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या 50%, तो आप उस बॉन्ड को लिखते हो पार्शियली कोवेलेंट, partially covalent and partially ionic, ये आप लिखते हो, ठीक है ना, partially covalent and partially ionic. When there is a difference between electronegative difference between two atoms equal to 1.9, then the bond is pure bond is 50% ionic and 50% covalent. Agar jo ye hai ki electro difference दो एटम्स के बीच में 1.9 से ज्यादा है तो समझ लेना जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, अगर लेस देन 1.9 है तो समझ लेना कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, वो इसको मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से सिखाऊंगा। मानो आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, अगर आपको लग रहा है, आपको बताएगा कोई, बताओ मुझे इसमें से कौन, ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, आप क्या लिखते हो लास्ट शेल में, इसमें आपको पता है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब जो यहां पे बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब आप देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैंने आपको कल बताया था दैट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो होता है 2.1, ठीक है ना। अब आपको क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, तो मैंने आपको यह भी बताया था कल रूल में, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो 3.0 है, ठीक है ना। अब इनके दोनों के बीच में हम देखेंगे डिफरेंस कितनी है, ठीक है ना, 3.0 को माइनस करेंगे 2.1 से, तो आपको वहां पे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.9, क्या मिलेगा आपको 0.9, ठीक है ना। अब मुझे बताइए 0.9 1.9 से ज्यादा है कि कम, यानी 1.9 से कम, अगर 1.9 से कम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से कम है, यही तो मैंने आपको बताया, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से क्या कम है तो मतलब बॉन्ड कौन सा होगा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पे 0.9 है तो मतलब यहां पे बॉन्ड अब कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो निकलती है इन दो एटम्स के बीच में वो निकलती है 0.9, तो इससे पता चलता है कि बॉन्ड जो होगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मानो आपके पास ये अभी है NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग करके आप लिखिए, अब इसके बाद क्या ये बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, बॉन्ड। लेकिन आप याद रखिए जब भी बॉन्ड आयोनिक होगा ना बीच में लाइन वाइन नहीं होता है, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा लाइन होगी, बट जब आप आयोनिक बॉन्ड की बात करोगे उसमें लाइन वाइन नहीं होती है, ठीक है ना, वो मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह क्यों, याद रखिए। अब आपको क्या लग रहा है इसमें, इसने भी डोनेट किया, इसने भी, लग रहा है कि बॉन्ड जो है वो कौन सा है, कोवेलेंट। लेकिन पहले देखिए हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कल भी सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की 3.0 है। अब इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालेंगे, वो कितना हुआ, 3.0 माइनस 0.9, अगर आप देखोगे तो वो बनता है 2.1, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज ग्रेटर देन 1.9, यानी 1.9 से ज्यादा है, देन द बॉन्ड इज आयोनिक, तो उस टाइम जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड, क्यों, कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। अभी हमने कोवेलेंट की एग्जाम्पल ली, अब हमने किसकी एग्जाम्पल ली, आयोनिक बॉन्ड की, और आयोनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड पेयर बीच में होता है ना,
जो बीच में बॉन्ड पेयर होता है उस पे सबसे ज्यादा हक वो एटम रखता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और जो बॉन्ड पेयर बीच में है इस पे ज्यादा हक कौन रखेगा? क्लोरीन। और अभी जो हमने पढ़ा था इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में इसमें जो बॉन्ड था वो कौन सा बॉन्ड था? वो कोवेलेंट बॉन्ड था। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना उस पे दोनों हक रखते हैं, इक्वल हक रखते हैं, ठीक है ना। बट इस वाले कंडीशन में वो वाला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा हक रखता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि बॉन्ड जो है, बॉन्ड नेचर ऑफ बॉन्ड, वो आयोनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। अब आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूं PClIII, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। मतलब अब आपको बताना कि ये जो मॉलिक्यूल है ये आयोनिक है और ये क्या कोवेलेंट है। आपको क्या करना है, पहले आपको फास्फोरस का पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फिर क्लोरीन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको पता है, मैंने आपको कल भी बताया, इट इज इक्वल टू 2.1, यानी हैरी पॉटर जितना हाइड्रोजन का उतना फास्फोरस का। अभी मैंने लिखा हाइड्रोजन का 2.1 है तो फास्फोरस का भी 2.1 होगा। और क्लोरीन का आपको पता है इट इज इक्वल टू 3.0। अब इन दोनों की डिफरेंस देखिए आप, ठीक है, वो किसके बराबर निकलेगी? 3.0 को माइनस करिए आप 2.1 से तो वहां पे जो वैल्यू निकलेगा दैट इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। अब मुझे बताइए 0.9 1.9 से ज्यादा है कि 1.9 से कम? यानी 1.9 से कम। अगर 1.9 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है देन द बॉन्ड इज कोवेलेंट। तो बॉन्ड यहां पे अगर देखोगे ना, ये कौन सा बॉन्ड होगा? फिर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब PClIII में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है ना। बस याद रखिए आप, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज 1.9 देन द बॉन्ड इज ग्रेटर देन 1.9 देन द बॉन्ड इज आयोनिक। In case electronegativity difference between two atoms is less than 1.9, then the bond is covalent. And in case the bond difference electronegativity difference is equal to 1.9, then the molecule is 50% covalent and 50% ionic. मतलब partially ionic and partially covalent, ठीक है ना। और बहुत सारे molecules है, आप उनपे ये apply कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि उसका nature वो कहते हैं कि वो ionic bond है और या वो covalent bond है। ionic bond में याद रखिए जिसकी electronegativity ज्यादा bond pair पे उसका ज्यादा हक, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना, उसमें बॉन्ड दोनों एटम्स का इक्वल हक है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम दूसरी इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और दूसरा एप्लीकेशन जो है दैट इज द स्ट्रेंथ, एप्लीकेशन नंबर सेकंड दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, ठीक है ना। यानी जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी उसकी एनर्जी लगेगी ज्यादा तोड़ने के लिए, और जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए मतलब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। यानी ज्यादा स्टेबल मतलब उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और कम स्टेबल मतलब उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है, ठीक है ना। और याद रखिए अगर आपको स्ट्रांगता बॉन्ड देखना है ना, ठीक है ना, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी उतना उसका जो ये जो है स्ट्रेंथ वो क्या ज्यादा होगा। तो याद रखिए दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है ना। और ये कैसे आपको पता चलेगा, देखिए कैसे, ठीक है। मानो आपके पास ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, और आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा,
अब आप देखिए हाइड्रोजन की अभी मैंने आपको बताया इट इज 2.1 और फ्लोरीन का आपको पता कल बोला था मैंने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में दैट इज फ्लोरीन दैट इज 4.0। अब इस हाइड्रोजन का आप देखिए इट इज 2.1 और क्लोरीन का देखिए इट इज 3.0 और हाइड्रोजन का 2.1 और आपको पता है दैट ब्रोमीन का है 2.5 ठीक है ना सॉरी 2.8 ठीक है और इसका भी आपको पता है इट इज 2.1 और आयोडीन का आपको पता है दैट इज 2.5 ये मैंने आपको कल बताया। अब इन दोनों के बीच में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए 4 को माइनस करिए 2.1 ठीक है ना और वो कितना निकलता है 4 को माइनस करने के 2.1 वो निकलता है डिफरेंस कितना 1.9 ठीक है ना 3.0 को 2.1 से माइनस करिए वो कितना निकलेगा 0.9 2.8 को माइनस करिए 2.1 वो कितना निकलेगा 0.7 एंड 2.5 को 2. वो निकलेगा 0.4। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी यानी 1.9 ठीक है ना जितना ज्यादा होगी उतना मैंने आपको बताया उतना बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्ग। मतलब ये बॉन्ड जो है ये फिर क्या होगा HF जो है ये क्या होगा फिर ये होगा फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ठीक है ना और इसमें क्या होगा इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इसमें वीक बॉन्ड होगा ठीक है ना इसमें क्या होगा वीक बॉन्ड ठीक है ना यानी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम उतना वीक बॉन्ड ठीक है। और आप देखोगे अगर हमें अब देखना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है डिफरेंस ज्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है तो ये स्टेबल होगा मोर स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल ये मोर स्टेबल होगा। अगर आप इस हाइड्रोजन को देखोगे हाइड्रोजन आयोडाइड को इसको तोड़ने के लिए फिर कम एनर्जी लगती है अब ये मोर स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल ये लेस स्टेबल होगा मतलब इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम इसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा मतलब ये ज्यादा स्टेबल ये ज्यादा वीक इसको कम एनर्जी लगती है तोड़ने के लिए। अगर कम एनर्जी लगे ना मामूली एनर्जी दो तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा मतलब HI जो है हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इससे जल्दी इलेक्ट्रॉन सॉरी H बाहर जाएगा और अगर H बाहर गया तो ये वाली कंडीशन होती है किसकी एसिड की किसकी एसिड की जो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करता है दैट इज द एसिड। और आपको यहां पे पता है कि HI जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत ही कम है 0.4 और इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है और कम एनर्जी का मतलब कि ये स्टेबल नहीं है तो इसको आप थोड़ा एनर्जी दीजिए तो ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा हाइड्रोजन बाहर जाएगा। अगर आपको कोई बताएगा कि इनमें से किसमें जल्दी हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो आप बताओगे हाइड्रोजन आयोडाइड में। अगर कोई बताएगा क्यों तो सिंपल है कि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम है। अगर कोई बताएगा आपको सबसे ज्यादा मुश्किल जो है हाइड्रोजन निकालना वो किसमें है तो आप बताओगे हाइड्रोजन फ्लोराइड क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो मतलब बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है ना। और जिसमें आप जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा इसका मतलब वो क्या है एसिड। तो मुझे बताइए जो HI है हाइड्रोजन आयोडाइड ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मतलब मोर एसिडिक ठीक है क्योंकि इसमें जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा ठीक है। और ये जो है इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा लेकिन उसके लिए हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा ये क्या होगा फिर वीक एसिड मतलब लेस एसिडिक ठीक है ना। तो अगर हमें क्या ऑर्डर बनाना है एसिडिक कैरेक्टर अगर हमने लिखना है ठीक है ना सबसे जो वीक एसिड है वो कौन सा होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा हाइड्रोजन क्लोराइड उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड ठीक है ना। और यहां पे एक और पॉइंट आप याद रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में 1.9 आता है ठीक है ना। मैंने आपको अभी बताया इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज 1.9 देन द बॉन्ड इज प्योरली व्हाट 50% कोवेलेंट एंड 50% आयोनिक। मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड जो यहां पे है ये पार्शियली आयोनिक है और पार्शियली कोवेलेंट है। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या था एप्लीकेशन नंबर सेकेंड। तो एप्लीकेशन नंबर सेकेंड में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा ठीक है ना यही तो हमने पढ़ा। मतलब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा होगी ठीक है ना उतना उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा ठीक है। और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ठीक है ना उतनी डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी और जितनी डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा उतना बॉन्ड स्टेबल ज्यादा ठीक है। और जितना एनर्जी स्टेबल बॉन्ड ज्यादा उसमें से हाइड्रोजन निकालना थोड़ा मुश्किल मतलब वो कंडीशन लेस क्या होगा फिर लेस एसिडिक
क्या होगा फिर लेस एसिडिक, याद रखिए ठीक है ना, लेस एसिडिक यानी एसिडिक कैरेक्टर फिर डिक्रीज होगा। ये था शॉर्ट में स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट नेचर ऑफ बॉन्ड, सेकंड क्या था, सेकंड था स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में हमने एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा। तो वहां से आपको पता चलेगा, आपको कोई भी मॉलिक्यूल देंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि किसमें से आप जल्दी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन वीक एसिड होगा। ये था क्या, ये था सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में देखिए, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके लिए हम आगे रूल भी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड हेनरीज स्मिथ रूल। फिलहाल आप याद रखिए, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इनकोवेलेंट कंपाउंड्स या इनकोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और इनकोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स में कितना परसेंटेज है किसका, आयोनिक कैरेक्टर का, ठीक है। तो इसको आप एक और नाम से भी लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखिए मैंने आपको अभी बताया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इनके बीच में अभी मैंने आपको बताया बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर आप एग्जांपल लोगे NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड में आपको मैंने अभी बताया कि बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड, और वो कैसे, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सोडियम, तो यहां पे कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है और यहां पे क्या चढ़ता है, सॉरी इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है और इस पे क्या चढ़ता है, नेगेटिव चार्ज। और यहां पे अगर आप देखोगे ना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज व्हाट, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां से ये बॉन्ड पेयर थोड़ा शिफ्ट हो रहा है किसकी ओर, क्लोरीन की ओर, मतलब ये पेयर जो है ये थोड़ा बहुत किसकी ओर हो रहा है, क्लोरीन की। यहां पे परमानेंट ट्रांसफर, यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे थोड़ा शिफ्ट कर रहा है किसकी ओर, क्लोरीन की ओर। अगर क्लोरीन की ओर ज्यादा क्लाउड मूव कर रहा है, और मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, मतलब यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और हाइड्रोजन पे क्या चढ़ेगा, फिर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्वालिटी है, किनकी क्वालिटी है ये, आयोनिक कंपाउंड की, किनकी क्वालिटी है ये, आयोनिक कंपाउंड्स की। लेकिन ये कौन से कंपाउंड्स है, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड्स है, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स में आप देख रहे हो कि कुछ कुछ हद तक उनमें भी आयोनिक कैरेक्टर होता है, यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव आल्सो व्हाट, आयोनिक कैरेक्टर, मतलब आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड्स में मौजूद होता है। तो ये रूल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम, दैट इज कॉल्ड हेनरीज स्मिथ इक्वेशन पढ़ेंगे आगे। बट याद रखिए कि हर कोई बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट नहीं होता है, ना ही प्योरली आयोनिक होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर होता है। और अगर आयोनिक कैरेक्टर होता है, दैट मींस कि कोवेलेंट कंपाउंड सम टाइम बिहेव एज आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और आयोनिक कंपाउंड बिकॉज क्योंकि उनमें पोल्स बनते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहां पे भी स्लाइटली नेगेटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव, मतलब इस शिफ्टिंग की वजह से इस मॉलिक्यूल में पोल्स बनते हैं, ठीक है ना। और ये पोल्स बनने का नतीजा है कि इन मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट होती है, ठीक है ना। पोल्स बनने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स में क्या बनता है, पोलैरिटी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो ये थर्ड पोस्टुलेट था, सॉरी थर्ड एप्लीकेशन थी, कि आयोनिक परसेंटेज, आयोनिक कैरेक्टर जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स में कितना होगा, यानी वो पोलैरिटी वहां पे डिफाइन करती है। ये एप्लीकेशन नंबर थर्ड। और एप्लीकेशन नंबर फोर जो है, दैट इज द नोमेनक्लेचर, एप्लीकेशन नंबर फोर, ठीक है, दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना, ठीक है ना, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड, ऑफ लिखिए बाइनरी कंपाउंड, ठीक है ना, नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड। और बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या है, बाइनरी कंपाउंड का मतलब है जब दो नॉन मेटल्स आपस में मिलेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए आप, हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है, क्लोरीन ये नॉन मेटल है, आपको पता है ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। अब फॉस्फोरस के एग्जाम्पल लो, फॉस्फोरस ये नॉन मेटल है, क्लोरीन ये नॉन मेटल है, ये बनाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। अब आप देखिए, एक और आपके पास बोरान है, ठीक है, और आपके पास क्लोरीन है, ये ठीक है, ये बोरान और बोरान भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ये भी कंपाउंड बनेगा। अगर आपको कोई बताएगा ना व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड HCl, तो आप क्या लिखते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप क्यों नहीं लिख रहे हो क्लोरीन हाइड्राइड, आप क्यों लिख रहे हो हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये किसके बेस पे है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको आप
एज अ सफिक्स इस्तेमाल करिए. क्या करोगे इस्तेमाल? सफिक्स, यानी लास्ट में आप इसको इस्तेमाल करोगे. और जब आप इसको लास्ट में इस्तेमाल करोगे ना, फिर बाद में जोड़ना आईडी. क्या जोड़ोगे आप? आईडी. यानी सफिक्स में आप कौन इस्तेमाल करोगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसको आप सफिक्स में इस्तेमाल करिए और बाद में उसको आईडी जोड़िए. ठीक है ना? तो उस टाइम इस तरह नॉमनक्लेचर आपको दिखेगा. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब 2.1, क्लोरीन की 3.0. अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? हाइड्रोजन, इसकी कम है तो हाइड्रोजन लिखो. ठीक है ना? और क्लोरीन, ये इसका, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको सफिक्स में लिखो. बट लास्ट में क्या जोड़ना है हमें? आईडीई. तो हो क्या, हो ये क्या बनेगा फिर? हाइड्रोजन क्लोराइड. इसी तरह आप देखिए फास्फोरस और क्लोरीन. फास्फोरस का भी मैंने बताया 2.1 और क्लोरीन का है क्या? 3.0. अब लास्ट में सफिक्स में क्लोरीन आएगा तो आप यहां पर लिखोगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड. ठीक है, ट्राइक्लोराइड मतलब लास्ट में आईडी जोड़ना है. ठीक है, अगर आप अब एग्जांपल लोगे इसकी, ब्रोमीन और क्लोरीन की. ठीक है, क्या आप ब्रोमो क्लोराइड लिखोगे? क्या आप क्लोरोब्रोमाइड लिखोगी? ठीक है, पहले आपको देखना है ब्रोमीन और क्लोरीन का. अभी मैंने आपको बताया कि ब्रोमीन का जो है इट इज 2.8 और क्लोरीन का है 3.0. मतलब पहले ब्रोमो आएगा, फिर क्या आएगा? क्लोराइड. तो आप क्या लिखोगे? ब्रोमो क्लोराइड और ब्रोमीन क्लोराइड. ठीक है, ब्रोमो क्लोराइड ये लिख सकते हो. ठीक है ना? और ब्रोमो क्लोराइड और ब्रोमीन क्लोराइड. या आपके पास एक और है एग्जांपल, मैं आपको एक और देता हूं. फॉर एग्जांपल ब्रोमीन बीआर और आयोडाइड है. ठीक है ना? क्या आप ब्रोमो आयोडाइड लिखोगे या आयोडो ब्रोमाइड लिखोगे? ठीक है ना? आपको पहले इन दोनों का देखना है. अब बोरान का, ब्रोमीन का देखिए, मैंने अभी लिखा हूं पर ब्रोमीन का 2.8 है और आयोडीन का मैंने अभी लिखा दैट इज 2.5, जिसका ज्यादा ब्रोमीन का है तो मतलब ये लास्ट में आएगा फिर ब्रोमाइड. ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो आयोडीन की है तो इसको लिखोगे आप क्या? आयोडो ब्रोमाइड. तो इस तरह आप इसकी नॉमनक्लेचर करते हो. ठीक है ना? तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो थी वो थी नेचर ऑफ द बॉन्ड, सेकंड जो था वो था स्ट्रेंथ, थर्ड जो था वो था परसेंटेज, और जो फोर्थ था वो था नॉमनक्लेचर. ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट जो अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज द कलर. दैट इज कलर. और ये एंट्रेंस में पूछा गया था कलर के बारे में कि इनका कलर कैसा होगा. ठीक है, और वहां पे एग्जांपल भी दी गई थी तो आपको बताना था कि इनमें से कौन कलर्ड होता और कौन कलर्ड नहीं. तो उसके लिए एक ट्रिक भी है, मैं वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा अभी. देखिए, ठीक है, हमारे पास जो फिफ्थ है, ठीक है, दैट इज कलर. दैट इज कलर ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, और आपको कलर वहां पे एक एग्जांपल दी गई थी, दैट इज AgCl सिल्वर क्लोराइड. फिर दी गई थी एग्जांपल Ag ब्रोमाइड. ठीक है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड. एक दिया गया था सिल्वर आयोडाइड और एक और दिया गया था दैट इज सिल्वर सल्फाइड. ये दिया गया था. ठीक है ना? सल्फर यानी Ag2S सल्फर. इनमें से बताया गया था इनमें से कौन कलर्ड है और कौन कलर्ड नहीं. ठीक है ना? तो वहां से उसने वहीं से इनकी परसेंटेज दी थी. ठीक है, परसेंटेज क्या दी थी? उसने लिखा था इसमें जो कैरेक्टर है वो 88% कैरेक्टर जो है वो आयोनिक कैरेक्टर है. यानी आयोनिक कैरेक्टर कितना? 88%. 22% फिर कौन सा? कोवेलेंट कैरेक्टर. तो इसमें उसने लिखा था कि इसका जो कैरेक्टर है इट इज 24%. ठीक है, कौन सा कैरेक्टर? आयोनिक कैरेक्टर. और इसके लिए इसने लिखा था दैट इज 15% आयोनिक कैरेक्टर और इसमें इसने लिखा था दैट इज 4% आयोनिक कैरेक्टर. यानी आयोनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, इसमें कम, इसमें उससे कम, इसमें कम, इसमें. अब हमें बताना था कि इनमें से कौन सा ज्यादा जो है, कौन कलर्ड होगा, कौन कलर लेस होगा. इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए. क्या ट्रिक याद रखनी है? अगर कोई भी कंपाउंड होगा हमारे पास, ठीक है, और उसमें 20% से लेस देन आयोनिक कैरेक्टर होगा, आयोनिक कैरेक्टर होगा, तो समझ लेना कि वो कलरलेस है, वो कलरलेस है. ठीक है, और अगर हमें कोई कंपाउंड होगा उसमें 20% से ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा तो समझ लेना वो क्या होगा? कलर्ड. वो क्या होगा? कलर्ड. ठीक है, अब आपको यहां पे देखना है इसका 88% है और ये कैसे परसेंटेज निकालते हैं हम देखेंगे आगे. ठीक है, इस ये निकालेंगे हम रूल के हिसाब से, हेनरी स्मिथ्स रूल या पॉलिंग स्केल, पॉलिंग रूल के हिसाब से. तो फिलहाल आप देखिए इसकी 88% है. अभी मैंने बताया ये 20% से कम है कि 20% से ज्यादा. ये तो 88% 20% से ज्यादा है, जिसका 20% से ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, वो क्या होता है?
कलरलेस। मतलब क्या, मतलब ये जो था सिल्वर क्लोराइड ये क्या था, कलरलेस, ठीक है। और इसमें देखो 24%, 20 से ज्यादा, ठीक है ना, मतलब टू सम एक्सटेंट ये क्या होगा, कलरलेस, ये क्या होगा, कलरलेस। लेकिन अगर कभी इसको कलर होगा भी ना, वो उतना डीप नहीं होगा, वो बहुत ही सुस्त कलर होगा, ठीक है। और सुस्त कलर का मतलब वो लाइट होगा, बहुत ही लाइट कलर होता है, ठीक है ना, लाइट कलर यानी लाइट येलो कलर होगा। और फिर एजीआई यानी 15%, और 15% का मतलब 20% से कम, मतलब वो क्या होगा, फिर कलर्ड होगा, क्या होगा, कलर्ड, यानी ये स्लाइटली कलर्ड था, ये तेज कलर्ड होगा, मतलब मस्टर्ड कलर्ड, इसका मस्टर्ड येलो कलर होगा, ठीक है। और इसका उससे कम ये आयोनिक कैरेक्टर है, मतलब ये बहुत ज्यादा कलर होगा, डीप कलर होगा इसका, क्या कलर होगा इसका, डीप कलर, बहुत तेज कलर। और डीप कलर का मतलब ये डार्क होगा, क्या होगा, डार्क। इसका मतलब क्या हुआ, जितना आयोनिक कैरेक्टर कम उतना कलर्ड सिस्टम, और जितना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा उतना कलर्ड नहीं, उतना कलरलेस सिस्टम बनने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब 20% लेस आयोनिक कैरेक्टर बनेगा तो समझ लेना कलरलेस, 20% मोर आयोनिक कैरेक्टर बनेगा तो समझ लेना कलर्ड, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी उसने वहां पे दी थी 45% और इसका लिखा था 19%, ये था 11% और इसने यहां पे लिखा था 4%। अब आपको बताना इनमें से कौन कलर्ड होगा, ये तो 20% से ज्यादा, ये तो कलरलेस, ये तो 19, ये कलर्ड होगा, ये 11, ये भी कलर्ड होगा, सबसे कलर्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस तरह आपको याद रखना है, जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा उसका कलर्ड का कंपाउंड बनाना थोड़ा टफ, वो कलर्ड नहीं बनाएगा, वो कलरलेस होगा। और जिसका आयोनिक कैरेक्टर कम होगा या और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, वो ज्यादातर क्या होगा, कलर्ड होगा। और इसके लिए ट्रिक क्या बताई मैंने, कि वो देखिए अगर उनका कलर, अगर उनका आयोनिक परसेंटेज 20% से ज्यादा आ रहा है या 20% से कम आ रहा है। अगर 20% से ज्यादा आ रहा है तो मतलब कलरलेस, अगर 20% से ज्यादा आ रहा है तो मतलब 20% से अगर कम आ रहा है मतलब कलर्ड, अगर 20% से ज्यादा आ रहा है तो मतलब कलरलेस, ठीक है ना। और एक और ये है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन नंबर 6, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, यानी कौन मेटल होगा और कौन नॉन मेटल होगा, ठीक है ना। अब याद रखिए आप, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, मतलब साइज कम, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब अपने पास रखेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, उस पे चार्ज चढ़ेगा नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ला रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को बाहर करता ना, तो उसमें टेंडेंसी की वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी उनमें होती है, ठीक है ना, जिनको आप मेटल्स बोलते हो। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा, ठीक है ना, इसका मतलब साइज क्या होगा, स्मॉल, और अगर साइज स्मॉल होगा ना तो उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है ना, यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर, वो क्या होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को ये अपने ओर खींचेगा, मतलब वो मेटल बनेगा कि नॉन मेटल, वो फिर नॉन मेटल बनेगा, वो फिर क्या बनेगा, फिर नॉन मेटल। मतलब ये आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है, सबसे ज्यादा 4, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाएगा, ठीक है ना, और मतलब इसके टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की ज्यादा है। अब ये मेटल है कि नॉन मेटल, ये क्या है, फिर नॉन मेटल, ठीक है। अब आप सीसीएम के एग्जाम्पल लो, सीसीएम, ठीक है ना, और सीसीएम का आप मैंने कल बोला था दैट इज 0.7, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है, सीसीएम, मतलब इसमें टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब इसमें चांसेस के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच सकता, तो बेटर है कि इससे इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा। अगर जल्दी बाहर निकलेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है, मतलब ये एक्ट करेगा एज अ मेटल, और पीरियोडिक टेबल में सबसे बेस्ट मेटल जो है दैट इज सीसीएम, दैट इज सीसीएम, क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, मामूली इस पे लाइट डालो, ठीक है ना, लाइट का मतलब फोटॉन डालो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इसलिए तो आप एक टर्म पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड फोटो, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्या पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या आपने इसको पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ फोटॉन, फोटॉन के जरिए फोटॉन की मदद से इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहर निकालना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहां पे भी हम वही पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना विद द हेल्प ऑफ फोटॉन, मतलब सबसे जल्दी आप किससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, सीसीएम से। इसलिए तो इनमें सोलर सेल्स में इस मेटल को इस्तेमाल करते हैं, सोलर सेल जो होते हैं ना उनमें सीसीएम होता है क्योंकि उन पे लाइट पड़ती है, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं और करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बताया कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ज्यादा, और खींचने की ज्यादा मतलब चार्ज नेगेटिव चढ़ेगा मतलब नॉन मेटल एग्जिस्ट करेगा। और आपको मैंने बताया जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ठीक है, उतने चांसेस इलेक्ट्रॉन लूज करने के ज्यादा, और लूज करने का ज्यादा मतलब कैरेक्टर क्या होगा फिर, मेटलिक कैरेक्टर, ठीक है ना। इसमें इस एग्जांपल दी आपको मैंने क्या, सोलर सेल्स की, ठीक है ना। तो ये एक और टर्म है। अब आपको मैं एक और एप्लीकेशन आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज एसिड एंड बेस, ठीक है ना, एसिड एंड बेस। याद रखिए, बहुत ही ट्रिक भी है, ठीक है, ट्रिकी टाइप का भी है बट इंटरेस्टिंग भी बहुत है, ठीक है। मानो आपके पास ये है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और आपके पास ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या आप इसको HNO3, या एक एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब आपको पता ये एसिड है, अब आपको पता ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। क्यों आप क्या लिखते हो NaOH, और इसको क्या लिखते हो सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर सेंटर में लिखते हो आप, ठीक है ना। फिर क्या लिखते हो आप OH, और यहां से फिर यहां से और यहां से एक साइड से डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, यहां से डबल बॉन्ड, यहां से भी डबल बॉन्ड H2, ठीक है, यहां पे फिर होगा फिर क्या H और O, ठीक है ना, ठीक है, H2, ठीक है, SO4, तो ये बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, लेकिन इसमें OH बाहर जाता है, लेकिन इसमें बस सिर्फ H बाहर जाता है, और H बाहर जाने का मतलब एसिड, और OH बाहर जाने का मतलब बेस। अब बताइए मुझे, इसमें भी तो OH था, इसमें भी OH था, लेकिन इसमें क्यों OH नहीं निकला, सिर्फ H निकला, और इसमें क्यों OH निकला, ये क्यों बेस है फिर, क्योंकि इसमें भी तो OH था, ठीक है ना। और ये हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कैसे, देखिए, अगर OH के साथ मेटल होगा, Na क्या है, सोडियम क्या है, इट इज अ मेटल, और यहां पे OH के साथ अगर आप देखोगे यहां पे सल्फर, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, याद रखिए। अगर OH के साथ मेटल जुड़ा होगा तो समझ लेना वहां से OH माइनस निकलेगा, और अगर OH के साथ नॉन मेटल होगा तो समझ ला वहां पे H पॉजिटिव निकलेगा, क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। इफ OH इज अटैच्ड टू द मेटल देन HOH इज रिलीज्ड एंड द सिस्टम विल एक्ट एज बेस, एंड इफ OH इज अटैच्ड टू नॉन मेटल, ठीक है ना, देन H प्लस इज रिलीज्ड, इट मींस दैट इट विल एक्ट एज एन एसिड, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये था किस पे, इट टेल्स अबाउट द एसिड एंड बेस, ठीक है ना, ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स, मीन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप अब याद रखिए कैसे, ये एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक और टर्म हमारे पास, मानो ये Na, ठीक है ना, और हमारे पास क्या है OH, ठीक है ना, इस Na के बदले मैं लिखूंगा XOH, और अभी मैंने लिखा था एक और एग्जांपल लिखा HNO3, ठीक है ना, HNO3 यानी HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, सेंटर में नाइट्रोजन, ठीक है ना, और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, तो मतलब O और H और डबल बॉन्ड होगा एक साइड से, ठीक है ना, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O और यहां पे सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अब यहां पे क्या है OH, और यहां पे भी क्या है OH, मेटल OH बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, तो फिर क्या निकलेगा H, ठीक है ना। अब आप देखिए, बहुत ही अच्छी बात, देखिए आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है OH, ठीक है ना, इस OH में देखिए आप, इस OH में, हाँ, ऑक्सीजन का आप पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, ऑक्सीजन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे ना, इट इज इक्वल टू 3.5, और हाइड्रोजन का आपको पता है इट इज 2.1, और इसमें भी आप वही देखिए, ऑक्सीजन का अभी मैंने आपको बताया इट इज 3.1, और हाइड्रोजन का आप देखिए इट इज 2.1, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूंगा, यानी 3.5 को 2.1 से आप माइनस करिए, ये कितना बनेगा 5, ये बनेगा 1.4, तो इसमें भी यही बनेगा 1.4,
यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ओ एंड एच इज 1.4, ओ एंड एच इज 1.4. अब हमें ओ और एन के बीच में देखना है, ओ ओ ओ और इस एन ए के बीच में देखना है, सोडियम के बीच में देखना है, ठीक है, ठीक है ना. आपको पता है कि अगर हम सोडियम के बीच में देखेंगे, सोडियम को आपको मैंने बोला था इट इज 0.9, क्या है 0.9, और 0.9 को 3.5 के साथ, 0.9 को आप 3.5 से क्या मतलब डिफरेंस निकाले, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2.6, ठीक है ना. अब यहां पे देखिए आप नाइट्रोजन, ठीक है ना, और नाइट्रोजन का आपको पता है इट इज इक्वल टू 3 इसका, और अगर आपको मैं बताऊंगा इन दोनों के बीच में अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ढूंढिए आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है ना, और वो कितना निकलेगा आपको, ठीक है ना, वो निकलेगा 3 को 3.5 को माइनस करिए वो बनेगा 0.5, ठीक है ना. अब आप याद रखिए यहां पे कितना है 1.4 और यहां पे भी कितना है 1.4, ठीक है ना, और यहां पे कितना अब है 2.6, बट यहां पे कितना है 0.5, ठीक है ना. अगर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अब मैं इस Na के बदले लिखूंगा X और इस OH के बदले लिखूंगा OH और इस N के बदले मैं लिखूंगा X, ठीक है ना, और उसके बदले लिखूंगा मैं OH, इसके बाद ये O को आप साइडलाइन करिए, ठीक है ना. हा? अब आप देखिए अगर OH के बीच में मैंने आपको भी बताया इट इज 1.4 डिफरेंस और इस OH के बीच में भी इट इज 1.4 डिफरेंस, ठीक है. अगर मैं आपको बताऊंगा अब इसके बीच में अभी 2.6 था लेकिन ये क्या था बेस, और 2.6 1.4 से ज्यादा है, ठीक है ना. अगर डिसोस, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एन एंड ओ, मतलब एक्स और ओ, ठीक है, एक्स और ओ के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू व्हाट, एक्स ओ के बीच में, ठीक है, एक्स ओ के बीच में जिस, ठीक है ना, इस वाले के बीच में, इसमें 0.5, इसमें 0.5 था और इसमें कितना था 2.6, और ज्यादा अगर होगा ना, ठीक है ना, ज्यादा अगर यहां पे 2.6 था, यहां पे कितना है 1.4, 2.6 ग्रेटर देन 1.4 और यहां पे 0.5, ठीक है ना. अगर 2.6 यानी x और o के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1. यानी OH से ज्यादा है, ठीक है ना, यानी यहां पे 2.6 है वो तो 1.4 से ज्यादा है, तब हमेशा OH बाहर निकलेगा. अब क्या हमेशा निकलेगा OH. अगर 1.4 से X और O की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है ना, वो 1.4 से कम होगी, मतलब OH से कम होगी, तो हमेशा वहां पे हाइड्रोजन निकलेगा. क्या निकलेगा? हाइड्रोजन. मतलब ये हमारे पास एक्स ओ एच था, ठीक है ना, मानो ये बेस है, ठीक है, और हमारे पास एक्स ओ एच था, मानो ये क्या है, एसिड. अभी आप याद रखिए अगर इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों का जो ये है, मानो ये फर्स्ट है, ये यहां से मानो आप सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेकंड से क्या ज्यादा होगी, तो समझ लेना वो क्या है, समझ लेना वो बेस है. अगर एक इसमें फर्स्ट में देखो, ये लिखो सेकंड और ये लिखो क्या फर्स्ट, अगर फर्स्ट सेकंड से क्या कम होगी, तो समझ लेना वो क्या होगा, एसिड. और अगर एसिड होगा वो रिलीज करेगा एच पॉजिटिव, अगर बेस होगा वो रिलीज करेगा ओ एच माइनस, ठीक है ना. इन शॉर्ट में हमने ये पढ़ा कि एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. फर्स्ट कि बॉन्ड एनर्जी क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, कलर क्या होगा, एसिड और बेस का होगा, मेटल और नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है ना. तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा. इंशाल्लाह रहमान हम अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम केमिकल बॉन्डिंग में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और हमें केमिकल बॉन्डिंग में इससे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है. तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह रहमान अब कंटिन्यू करेंगे. फिया मानिल्ला.